नमस्कार साथियों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए सबसे बड़ी सूचना आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन अब शुरू होने जा रहे हैं। इस बार एग्जाम में 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में बताई जाने वाली है। अंत तक बने रहे। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि UPTET परीक्षा 2024 के छात्रों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आगे भी उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा की सटीक जानकारी आप सभी तक सबसे पहले पहुँचाई जाती रहे। दोस्तों गूगल पर जाइए, सर्च करिए UPTET हिंदी प्रो। जैसे ही आप लोग UPTET हिंदी प्रो सर्च करेंगे फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन कर लेना। एक नई सूचना, एक नई अपडेट। अगर आप भी उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, UPTET परीक्षाओं के आवेदन शुरू हुए और साथ ही साथ 3 बड़े बदलाव आपको बता दें होने जा रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बीते 3 सालों से कोई भी बड़ी भर्ती नहीं आई है शिक्षकों की। अब बताया जा रहा है कि करीबन 1,00,000 से भी ज़्यादा पदों पर बंपर शिक्षक भर्ती आने वाली हैं। इसमें से 51,000 जो पद होंगे ये सिर्फ और सिर्फ सहायक अध्यापक भर्ती के बताए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है। लेकिन एक और अच्छी अपडेट ये है कि इन सभी भर्तियों को बाद में करवाया जाएगा, पहले UPTET का एग्ज़ाम होगा। UPTET के लिए ऑनलाइन आवेदन अब शुरू होने जा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है 2023 के जो विज्ञापन रुके हुए हैं 2024 में इसी महीने 28 तारीख से लेकर अगले महीने 5 अगस्त से पहले पहले आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन शुरू देखने को मिल सकते हैं। इस बार पाठ्यक्रम में आपको बदलाव देखने को मिलने वाला है, आवेदन में योग्यता भी आपको चेंज देखने को मिलने वाली है। इसकी पूरी जानकारी अपडेट यहाँ पर बता दी गई है, आप लोग भी जाके पूरी जानकारी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बताया जा रहा है इस बार एग्ज़ाम को ऑनलाइन माध्यम में कंडक्ट करवाया जाने वाला है। UPTET की परीक्षा काफ़ी समय से रद्द पड़ी हुई है, लोकसभा चुनाव के कारण भी आगे बढ़ाया जा रहा था परीक्षाओं को, लेकिन अब आप सभी की ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। इस बार कई बड़े चेंजमेंट जो हैं आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि आयोग बदलने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में भी भारी चेंजमेंट देखने को मिलने वाले। पूरी जानकारी यहाँ पर अपडेट कर दी गई, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। जो भी अपडेट आएगी आप सभी को